अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सादरे ब्लॉग यूट्यूब चैनल। इंडिया से सऊदी जो लोग आना चाहते हैं नए बीजेपी, ये उनके लिए है गुड न्यूज़, क्योंकि मैं अभी इंडिया से सऊदी आया हूँ। जितना भी एक्सपीरियंस है इस वीडियो में आप लोग साथ में शेयर करूँगा, क्योंकि अगर आपके पास पासपोर्ट ECR हो या ECNR हो, और इमिग्रेशन को लेकर के और PCC को लेकर जितनी भी प्रॉब्लम हो रही थी वीज़ा स्टैंपिंग का, सारी प्रॉब्लम खत्म कर दी गई है। ऐसे बहुत से डिटेल है इस वीडियो में आप लोग साथ में शेयर करूंगा। अगर आप लोग नया वीज़ा लेना चाहते हैं, एग्जिट एंट्री वीज़ा, तो आप कहां से वीज़ा लें और आने में कितना खर्च होगा, बहुत सी ऐसी जानकारी है इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को एक अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार दर्शकों का सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फाइनली मैं इस वक्त सऊदी पहुँच चुका हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इंडिया से सऊदी आने का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। जिसका पासपोर्ट ECR है या ECNR है, दोनों के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि इस वक्त न्यू वीजा लेने के लिए इमिग्रेशन चालू हो चुका है और PCC का जो रूल था वो भी खत्म हो गया। पहले PCC को लेकर न्यू वीजा लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप लोग आसान तरीके से ले सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट ECR है, आप जाकर के वीजा लेते हैं किसी भी ऑफिस में, तो आपको आसानी से मिल जाएगा और 65 से 70 हज़ार रुपये वो आपसे चार्ज करेंगे। अगर आपका पासपोर्ट ECNR है तो तकरीबन 60 हज़ार रुपये तक मान के चलें, अगर आप ऑफिस से वीजा लेते हैं तो। अगर कोई भी यार दोस्त अगर आपको वीजा देता है और आपका पासपोर्ट ECR है, तो 35 हज़ार में आपका वीजा स्टैंपिंग, इमिग्रेशन और टिकट, ये सारा चीज़ कम्प्लीट हो जाएगा। अगर पासपोर्ट ECNR है तो वही मान के चलो 30 से 35 हज़ार 40 हज़ार, सिर्फ 5 हज़ार रुपये का डिफरेंस है ECR और ECNR में। हालांकि जो गवर्नमेंट का फीस है 200 रुपये ही होता है, पर थोड़ा बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, तो इसलिए 5 हज़ार रुपये तक आप अंदाज़ा मान के चलो। क्योंकि न्यू वीज़ा लेने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इमिग्रेशन का थोड़ा दिक्कत चल रहा था, उसके बाद PCC को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, अब सभी प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। आप बिल्कुल आ सकते हैं। और आप लोगों का ये भी सवाल होता है कि वीज़ा हमें कहाँ से लेना चाहिए। वीज़ा दो ही जगह के नाम से इशू किया जाता है, मुंबई के नाम से और दिल्ली के नाम से। अगर आप कलकत्ता, हैदराबाद, लखनऊ या कहीं भी आप वीज़ा लेते हैं किसी भी ट्रैवल एजेंसी से, तो वो भी मुंबई से या दिल्ली से ही वीज़ा लेता है, उसी ऑफिस से ज़्यादातर काम कराता है। अगर आपको सस्ते में काम कराना है, आपका पासपोर्ट ECNR है, तो आप डायरेक्ट मुंबई जाते हैं, तो मुंबई में क्या है कि आपको 50 हज़ार रुपये तक में वीज़ा आपको मिल जाएगा आसान तरीके से, उसमें सब कुछ इंक्लूड होगा। अगर आपका पासपोर्ट ECR है तो भी आप 50 से 55 हज़ार रुपये तक मान के चलें। अगर यही काम आप कहीं और से कराते हैं तो थोड़ा आपको महंगा हो जाएगा। और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें जो इस वक्त लग रहा है, तो कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं लग रहा है। COVID-19 के वक्त जितनी भी ये रूल्स लगाए गए थे, सभी रूल को ख़त्म कर दिया गया। अगर आपने वैक्सीन लिया तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ले लिए हैं आप वैक्सीन तो उसकी कॉपी साथ में ले आएँ। अगर आपके पास मास्क है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, अगर साथ में ले लें तो ज़्यादा अच्छा। एक बात खास करके याद रखें, जो लोग सऊदी से छुट्टी पे गए, वापसी आने के लिए जो डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट, टिकट, अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं होगा तो एयरपोर्ट पे आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। आप लोग अगर फॉर्म को फिलअप करना भूल गए तो आप लोग खुद भी एयरपोर्ट पे फिलअप करके आप उसे दिखा सकते हैं डाउनलोड करके कॉपी। और उसके बाद और भी कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर ये न्यू वीज़ा है, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो जहाँ से भी आप वीज़ा स्टैंपिंग कराते हैं वो आपको फाइल बना के दे देगा। जो लोग छुट्टी जाते हैं उनके मन में थोड़ा डाउट होता है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है, तो कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर एक्स्ट्रा और मेन डॉक्यूमेंट अगर हम आपको बताएँ तो अराइवल फॉर्म ही है बस, और कुछ नहीं है। तो आप लोग इस तरह से आ सकते हैं। और जो आने में मैंने देखा कि कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि नए बंदे भी आ रहे हैं और पुराने बंदे भी आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। और पिछली वीडियो में जैसे कि आपने देखा कि जितना हो सकता था आप लोगों को बारीकी से दिखाने की कोशिश किया हूं। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग मुझे कमेंट ग्रुप लगा है, कफिल या कंपनी से भागे हैं या उसका कफिल या कंपनी उसे छुट्टी नहीं दे रहा है, तो ये उनके ऊपर एक नया अपडेट आया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल में आप लोगों को मैं बताऊंगा। अगर आपका और भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।